मैं स्टूडेंट हूँ एंड अभी कल शाम से हमने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सारे स्टूडेंट्स ने मिलके, बिकॉज जो वीसी हैं हमारे वो बिना बताए बिना वार्डन के गर्ल्स हॉस्टल में घुसे थे पहले तो, एंड फिर वो लोगों के कमरे में घुसने लग गए एक एक करके, एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने कपड़ों पे बोला, अब कोई अपने घर में जो पहनना चाहे पहनेगा, अब हम कल को आपके घर आएंगे तो हमारे पास हक थोड़ी बनता है बताने का कि आप क्या पहनोगे क्या नहीं। पर यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका ये इकलौता रीज़न नहीं है कि वीसी गर्ल्स हॉस्टल घुसा है, और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्कॉलरशिप्स पे आते हैं, उनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो सही नहीं होती, तो कॉलेज प्रशासन उन्हें परेशान करता है। हर एग्ज़ाम से पहले उनका आधा घंटा ख़राब होता है। और एक बच्चा गया वीसी के पास, उसने बोला वीसी को कि सर मुझे पेपर लिखना है, तो मुझे नहीं लिखने दिया जा रहा। तो वीसी ने उसको बोला कि तुम जैसे अगर तुम्हारे छोटे घर के लोगों की हैसियत नहीं है पढ़ने के लिए ऐसे बड़े कॉलेज में, तो तुम आते क्यों हो यहाँ मुँह उठा के, कहीं और से कोर्स कर लिया करो, ठीक है। तुम जैसे नालायक बच्चे, बहुत कुछ बोला वीसी ने उस बच्चे को। और वो मेरे बैच का है और वो अपना बैच टॉपर है हमेशा से, वो लिटरली उसकी बैच रैंक 1 आती है। उसको वीसी ने ऐसा बोला कि ही डज नॉट बिलोंग हेयर, अगर वो यहाँ बिलोंग नहीं करता तो कौन करता है, क्योंकि वीसी जी तो नहीं करते यहाँ बिलोंग। अदर देन दैट बहुत सारे रीजन्स हैं। लाइब्रेरी में बच्चे बैठे होते हैं, वीसी जी आते हैं और वो बच्चों की किताबें खोलने लगते हैं, उनके लैपटॉप पे पूछते हैं कर क्या रहे हो, अगर वो बोलते हैं काम कर रहे हैं हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं ये सब छोड़ो ये कौन करता है। और एक बच्चे को उनकी डायरी उन्होंने उठाई, बोला कि 3 लाख रुपये फीस भर रहे हो, तुम पे 300 रुपये डायरी है, रजिस्टर खरीदने के लिए नहीं है क्या? मतलब आप किसी की आर्थिक स्थिति का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकते हो ना दिन भर दिन। कमेंट्स भी पास किए थे कोई कपड़ों को लेकर लड़कियों? हाँ जी, लड़कियों को लेकर वो गर्ल्स हॉस्टल घुसे थे। एक तो आप दिन दहाड़े एक संडे आप गर्ल्स हॉस्टल घुस रहे हो, संडे वैसे भी सब लेट जागते हैं, नहाते धोते हैं, सब होती हैं गर्ल्स, एक कम्युनल स्पेस है। वहाँ उन्होंने बोला कि तुमने शॉर्ट्स क्यों पहने हैं। तो मैम एक बात ये भी निकल के आ रही है कि कोई लड़की नहा के बाहर निकली थी, शायद उसके कपड़े वगैरह भी वो उसको ने समझा नहीं कि सही नहीं, उसको माने लड़की को, उसने भी कंप्लेंट वगैरह कुछ अभी है? ये सब इंडिविजुअल इंस्टेंसेस, तो लड़कियां अपना नाम नहीं बता रही हैं तो ये सब पे मैं कमेंट नहीं कर सकती। पर हाँ, कपड़ों पे उन्होंने बोला है बहुत लोगों को। मेस में भी उन्होंने बच्चों से बोला है कि आप खाना मुझे निकाल के दीजिए, और फिर उन्होंने बोला ये वापस डाल दीजिए। क्या हॉस्टल में जेंट्स अलाउड है? हॉस्टल में जेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। कितना भी कुछ भी इंसिडेंट क्यों ना हो जाए, ये कभी जेंट्स अंदर आने नहीं देते। हमारे डीआर सर ने भी अभी आज तक गर्ल्स हॉस्टल में कदम नहीं रखा होगा रिसेप्शन एरिया के बाहर। कोई मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो नहीं घुसने देते। तो लड़कियां ने आज जो बाहर आई थी उन्होंने भी अपने फेस छुपा के बाइट दिया, कहीं ना कहीं डराया जा रहा है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? डराने की बात तो मुझे नहीं पता, एग्जिट तो नहीं करने दे रहे हैं अभी काफी बच्चों को। एंड बाकी प्रशासन से हमारी मांग तो सबसे पहले ये है कि आप वीसी जी को बोलिए इस्तीफा दीजिए। उसके अलावा हमारी बहुत सारी दूसरी मांगे हैं, क्योंकि ये आरजीएनएल में पिछले 5 साल में ये दूसरा प्रोटेस्ट है। पिछले प्रोटेस्ट में भी वीसी जी को हटना पड़ा था, इस्तीफा देना पड़ा था, पर तब भी मांगे वही थी और अब भी मांगे वही है और कुछ बदला नहीं है। तो ये वीसी के बदलने से भी नहीं होगा। ये हाँ जी, प्रोटेस्ट कब तक? क्या लगता है आज मीटिंग भी बुलाई गई? जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। मीटिंग भी बुलाई गई थी 10 बजे वो आप मतलब बच्चों को ऐसे इंडिविजुअली अगर आप
कोशिश करोगे बुला बुला के सॉर्ट करने की, उससे नहीं होगा। आप जब तक सारी मांगे पूरी नहीं करोगे कोई पॉइंट नहीं है इसका।